असल में नाम सुनते ही हमारे मन में कई भोजपुरी कलाकारों की छवि तो कई गानों के शब्द याद आ जाते हैं। भोजपुरी फिल्मों में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के सभी लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना दी है। इनमें से कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन काफी मुश्किलों में व्यतीत किया है। आपके मन में यह भी सवाल जरूर आता होगा कि भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाले ये कलाकार कहाँ से आए हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि ये सभी भोजपुरी कलाकार कहाँ से आए हैं। विराज भट्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं विराज भट्ट की। ये उन कलाकारों में से हैं जिन्हें भोजपुरी में काफी पसंद किया जाता है। इसके अलावा इन्हें एक्शन स्टार के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि विराज भट्ट नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल यह मुंबई में रहते हैं। इन्होंने भोजपुरी के साथ साथ कुछ नेपाली और थारू के फिल्मों में भी काम किया है। विराज भट्ट ने अब तक 200 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम कर लिया है। यश कुमार मिश्रा का भी भोजपुरी इंडस्ट्री में खूब बोलबाला है। ये भोजपुरी एक्टर और गायक भी है। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा नामक स्थान से आते हैं। इनकी गिनती भोजपुरी के चमकते सितारों में की जाती है। यश कुमार मिश्रा की पहली फिल्म दिलदार सावरिया थी, जो कि लोगों को काफी पसंद आई थी। राकेश मिश्रा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। यह एक भारतीय अभिनेता और सिंगर हैं जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो इनका जन्म बिहार के आरा जिला में हुआ था। बता दें कि इन्होंने काफी कम भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, क्योंकि इन्हें एक्टिंग से ज्यादा गाना गाने का शौक है। इसके बावजूद भी इन्होंने कई हिट भोजपुरी फिल्में दी हैं। प्रमोद प्रेमी, चौथा नाम प्रमोद प्रेमी का है। ये भी उनमें से हैं जो फिल्मों के साथ साथ गानों का भी काम करते हैं। प्रमोद प्रेमी दोनों ही तरीकों से खूब प्यार बटोरते हैं अपने फैंस से। उन्हें बचपन से ही सिंगिंग में काफी दिलचस्पी थी, जिसके चलते उन्होंने 12 साल की उम्र में ही गाना गाना शुरू कर दिया था। बात करें कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये बिहार के आरा जिला के रहने वाले हैं। रितेश पांडे एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही कम समय में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये अपनी गायकी की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में छा गए। लोगों का यह भी मानना है कि इनकी आवाज पवन सिंह से काफी मिलती है। बता दें कि रितेश पांडे का सबसे फेमस और सुपरहिट गाना हेलो कौन है। लोग इन्हें इनकी गायकी के अलावा कलाकार के रूप में भी काफी पसंद करते हैं। बता दें कि इनका जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था, लेकिन इनका पूरा बचपन बनारस की गलियों में गुजरा है। इन्होंने अपनी संगीत की शिक्षा भी बनारस में ही ली थी। रितेश पांडे के द्वारा गाया एक गाना जाड़े चंदा काफी पॉपुलर हुआ था। इस गाने ने ही रितेश पांडे को रातों रात स्टार बनवा दिया था, जिसके बाद इन्होंने गाने के बाद कई गाने निकाले जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हिट साबित हुआ। गाने के बाद इन्होंने अपना कदम एक्टिंग की दुनिया में रखा और आज इनकी गिनती भोजपुरी के सुपरस्टार्स में की जाती है। अरविंद अकेला कल्लू, ये भोजपुरी के वो कलाकार है जिन्होंने भोजपुरी में अपना पैर बचपन से ही जमा रखा है। इनके द्वारा बचपन में गाए गानों को लोग खूब पसंद करते हैं। बता दें कि कल्लू ने भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी समय तक गाना गाया और फिर अपनी किस्मत फिल्मों में एक्टिंग कर आजमाने लगे, जिसके बाद कल्लू को सुपरस्टार का खिताब उनकी फिल्म त्रिदेव को देखकर ही दी गई और आज यह भोजपुरी सिनेमा में एक्शन हीरो के रूप में अलग पहचान बना चुके हैं। ये बिहार के बक्सर जिला के रहने वाले हैं। प्रदीप पांडे चिंटू, प्रदीप पांडे एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से भोजपुरी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन ये बिहार के मोतिहारी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी एक्टिंग और गायकी भी मुंबई में ही सीखी है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मुंबई में रहने वाले ये चिंटू इतनी अच्छी भोजपुरी कैसे बोल लेते हैं। तो बता दें कि इनके चाचा और पिता भोजपुरी डायरेक्टर हैं और इनके घर का माहौल काफी देसी था। यही कारण है कि हम मुंबई में रहते हुए भी भोजपुरी भाषा में इनकी पकड़ अच्छी है। प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू पांडे भोजपुरी जगत के जाने माने अभिनेता हैं, जिन्होंने 2009 में फिल्म दीवाना से अपने भोजपुरी करियर की शुरुआत की थी और अपना दमदार अभिनय और बेहतरीन लुक्स के जरिए भोजपुरी जगत में बेहद कम उम्र में ही अपना स्टारडम हासिल कर लिया है। मनोज तिवारी, भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्हें भोजपुरी का दाता कहा जाता है। बता दें कि मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला से ही मनोज तिवारी और भोजपुरी इंडस्ट्री को नई पहचान मिली। ये एक सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं। फिलहाल इन्होंने अपना पूरा ध्यान एक्टिंग को छोड़ राजनीति में लगा दिया है। यह बिहार के कैमूर जिला के रहने वाले हैं। रवि किशन एक भारतीय अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है जो हिंदी सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा में अभिनय का कार्य करते हैं। इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जीएसी कई फिल्मों में अभिनय किया है। इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना कदम अपनी बॉलीवुड फिल्म पीताम्बर के बाद रखी थी, जहाँ इन्हें खूब सारा प्यार मिला और भोजपुरी में यह सहिंसा के नाम से जाना जाने लगे।
फिलहाल इन्होंने भी अपना कदम राजनीति की ओर मोड़ लिया है। निरहुआ, दसवां नाम निरहुआ का है। बता दें कि इनका असली नाम दिनेश लाल यादव है, पर इन्हें निरहुआ नाम भोजपुरी इंडस्ट्री से ही मिली है। इन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला से पहचान मिली। अब इन्होंने अपना कदम राजनीति में रख दिया है। फिलहाल यह भोजपुरी सुपरस्टार के टॉप 3 लिस्ट में शामिल है। यह गाजीपुर के छोटे से गांव टंडवा से ताल्लुक रखते हैं। पवन सिंह एक भारतीय भोजपुरी भाषा के गायक और फिल्म अभिनेता हैं। इनका जन्म आरा बिहार के जोकहरी में हुआ था। उन्होंने देवरा बड़ा सतावेलू, भोजपुरिया राजा जैसी प्रमुख भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया है। इन्होंने भोजपुरी की दुनिया में पावर स्टार के नाम से जाना जाता है। पवन सिंह के द्वारा गाए एक गाने लॉलीपॉप लागलियो से पहचान मिले। इस गाने को इंटरनेशनल लेवल तक लोग सुनते हैं। बता दें कि इसी गाने की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री को लॉलीपॉप इंडस्ट्री भी कहा जाता है। बॉलीवुड के द्वारा कई बार पवन सिंह के सामने इस ऑफर को लाया गया कि वे इस गाने को रिक्रिएट करें, पर पवन सिंह ने हर बार इस ऑफर को ठुकरा दिया। आज के समय में ये इतने बड़े सुपरस्टार बन गए हैं कि सिर्फ इनके नाम से ही फिल्में हिट हो जाती हैं। खेसारी लाल यादव, इन्हें भोजपुरी में ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आए दिन इनके वीडियो ट्रेंड में आते रहते हैं। ये एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने काफी कम समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली है। खेसारी लाल यादव भोजपुरी में अपनी कॉमेडी की वजह से जाने जाते हैं। इन्हें बेस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड भी दिया जा चुका है। ये बिहार के सिवान जिले से आते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।